ये बंदूक वाले का तो काम है गोली चलाना, तो ये चलाएंगे। हम गाने बजाने वाले, हमारा काम है गीत गाना। तो देखो यार, नेटफ्लिक्स के ऊपर ना एक नई इंडियन बायोपिक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है अमर सिंह चमकीला, जिसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले दिलजीत और साथ में आपको देखने को मिलने वाली है परिणीति चोपड़ा। अब इसका जो ट्रेलर है वो आज सामने निकल के आ चुका है। अब इसका ट्रेलर किस तरीके से बन के निकला है, क्या ये ऑडियंस को हाइप करने में लाइक कामयाब रहेगा नहीं रहेगा, आपको सब कुछ जानने के लिए मिलने वाला है। बट बिफोर दैट, हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो बात करते हैं इस मूवी की। जो स्टोरी है पूरी तरीके से एक बायोपिक होने वाली है, जो कि आपके सामने पूरी की पूरी लाइफ जर्नी रखने वाली है। लेट 80s के पंजाब के अंदर एक लाइक मोस्ट पॉपुलर और आई वुड से मोस्ट कंट्रोवर्शियल सिंगर अमर सिंह चमकीला और उनकी वाइफ अमरजोत कौर प्लेड बाय दिलजीत एंड परिणीति चोपड़ा, जो कि आपको इसके ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। अब उनकी लाइफ कितनी कॉन्ट्रोवर्शियल थी और उससे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल थी उनकी डेथ, जिस तरीके से उनको स्टेज के ऊपर लिटरली गोलियां मार दी गई थी। और उनके मर्डर को कराने के पीछे आदमी कौन था, कौन रिस्पॉन्सिबल था, उसके बारे में आज तक वो पता नहीं लगा है। तो इनकी जितनी कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ थी, उस पूरी की पूरी लाइफ को एक दो घंटे ढाई घंटे की मूवी में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। और अगर मेरे को आपके सामने इसके ट्रेलर का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में करना हो, मैं इतना बोलूंगा कि इसकी कास्टिंग जिस तरीके से की गई है डेफिनेटली सूट कर रहा है। लेकिन जिस पेस के ऊपर ये जो ट्रेलर है वो चलता है, वो ऑडियंस को हाइप नहीं कर पाता है, जिसकी बात हम लोग आगे करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं इस ट्रेलर के पॉजिटिव पार्ट की। इसका पहला पॉजिटिव पार्ट होगा इसके अंदर जिस तरीके से कास्टिंग है, चाहे आप बात करो दिलजीत की, चाहे आप बात करो परिणीति की, जिस तरीके से उनकी बॉन्डिंग सामने देखने में लग रही है और जिस तरीके से यहाँ पे कास्टिंग सूट कर रही है, डेफिनेटली क्रिएटर्स को अप्रिशिएट करना बनता है। साथ में बात करें इसके क्रिएटर्स की, तो इसको डायरेक्ट करने वाले हैं इम्तियाज अली, जिन्होंने हमको इससे पहले बहुत कमाल का एक रोमांस ड्रामा दिया है। चाहे आप बात करो रॉकस्टार की, चाहे आप बात करो यहाँ पे अर्ली 2000s की कल्ट क्लासिक मूवी यानी कि जब वी मेट की, और भी कमाल कमाल के प्रोजेक्ट्स इन्होंने दिए हैं। तो डेफिनेटली जिस तरीके का उनका एक्सपीरियंस है और जिस तरीके का उनका नाम है, इनसे डेफिनेटली उम्मीदें लगाई जा सकती है। इसके साथ में अगर बात करें जिस तरीके से इसको प्रोड्यूस किया गया है, जिस तरीके से इसके अंदर आपको वो टाइम एरा दिखाया गया है, डेफिनेटली वो देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब प्रोडक्शन वाइज जिस तरीके से आपको विजुअल्स प्रेजेंट किए गए हैं, आपको कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज फील नहीं होता। और जहां तक बात रही इस मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी की स्टोरी के अंदर आपको उनका स्ट्रगलिंग फेज, किस तरीके से वो पॉपुलर हुए, किस तरीके से लोग उनके पीछे पड़े और किस तरीके से उनकी हत्या हुई, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तीनों के तीनों बातों को आप लोगों के सामने रखा जाएगा, क्योंकि जो ट्रेलर है पूरी तरीके से उनके स्ट्रगल के ऊपर और उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर फोकस करता है, ना कि उनके डेथ के बारे में कुछ भी बताता है। तो देखते हैं किस तरीके से चीजें बनके निकलती हैं, जिसके लिए आपको और मेरे को जो है वो 12 अप्रैल तक का वेट करना पड़ेगा, जब आपको ये जो है नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो अब जल्दी से बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव पार्ट की। तो इसका पहला नेगेटिव पार्ट जो मेरे को लगा, अगर आप किसी भी एक मूवी के ट्रेलर को देखते हो जो कि इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिसके लिए हाइप होना बनती है, लेकिन जब इसका ट्रेलर पूरी तरीके से खत्म होता है तो आपको इसका जो इम्पैक्ट है वो फील नहीं होता है। मतलब आपको लगता है कि ट्रेलर शुरू हुआ, ट्रेलर खत्म हुआ, ठीक है देख लेंगे जब मूवी आएगी, लेकिन जो एक इम्पैक्ट ट्रेलर को देखने के बाद फील होना चाहिए था, डेफिनेटली इसके अंदर वो मिसिंग है। क्योंकि इसकी पेस मुझे अप डाउन लगी, मतलब कहीं पे बहुत तेज चल रहा है, कहीं पे बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन मैं डेफिनेटली इम्तियाज अली के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ कि वो जब एक कंटेंट को लेकर आएंगे डेफिनेटली वो हिट करेगा। अब डिपेंड करता है कि क्या आपको सिर्फ कंट्रोवर्सी से मतलब है या आपको म्यूजिकल ड्रामों में इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो भी बहुत सारे फैक्टर है जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या ये आपके टेस्ट के लायक मूवी होगी या फिर नहीं। लेकिन ओवरऑल मैं इतना बोल रहा हूँ कि मेरे को जो इसका ट्रेलर है वो डिसेंट लगा। मैं कुछ बहुत ज्यादा हाइप्ड नहीं हूँ, लेकिन इट वॉज अ डिसेंट ट्रेलर। बाकी आपके इसके ऊपर जो भी थॉट्स है आपने अगर चेक कर लिया है, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। बाकी अगर आप लोगों ने इस वीडियो का देखा और आपको पसंद आई, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो छोटा सा लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।